गाइज मैं खा लिया हूँ अभी, ये दोनों खा ही जा रहे हैं, पता नहीं कितना खाते हैं। एक खा लिया इन लोगों ने, एक एक खा लिया, फिर दूसरा भी ऑर्डर कर दिया है इन लोगों ने। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। कूलर का गोश्त लेके ऐसा लग रहा है ना गांव में पूजा नहीं उठाते। तुम उठाते थे क्या? मतलब मैं हाँ उठाता था। वेलकम टू आवर चैनल टीटू का चीकू, मैं हूँ आपके साथ आपका चीकू, मैं हूँ आपका टीटू। सो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम कहीं जाने वाले हैं और उसके बारे में टीटू आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो टीटू कहाँ पे हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कूलर लेने। कूलर लेने, ओके। तो कूलर लेने हम जा रहे हैं और हमें थोड़ा मार्केट से कुछ और भी शॉपिंग करनी है किचन के लिए। मुझे करनी है किचन में वो डिब्बा लेना है बड़ा वाला। इसके डिब्बे कभी खत्म नहीं होते हैं, कहीं भी दुकान पे दिखेगा डिब्बे। अरे यार वो बड़ा वाला, उसमें राशन वाला सामान रखना है कम पड़ रहा है, तो वो लेना है। और बाकी थोड़ा वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे मंडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे? कूलर। कूलर तो चलते हैं, अगर राजीव आ गया टाइम से तो राजीव भी हमें मिलेगा वहीं पर शॉप पर। वैसे वो निकल चुका है तो आ रहा होगा वो भी। चलिए राजीव हमें मिल गया है रास्ते में और हम कूलर लेने जा रहे थे, तो राजीव ने बोला कि मुझे कुछ खाना है, तो ये कुछ खाने के लिए यहाँ पे कुछ खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? बर्गर। तो हम सब अभी बर्गर खा रहे हैं, हम लोगों का अभी आने वाला है। इसका टर्न मार दो या मुझे आप खिला दो, आप खिला दो मुझे। चटनी नहीं डालना, सॉस बोलते हैं। अरे कुछ भी बोला, मैं खाने से मतलब। गाइस मैं खा लिया हूँ अभी, ये दोनों खा ही जा रहे हैं, पता नहीं कितना खाते हैं। एक खा लिया इन लोगों ने, एक एक खा लिया, फिर दूसरा भी ऑर्डर कर दिया है इन लोगों ने। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। हाँ यार मुझे गोलगप्पे खाने हैं। आ जाओ वो दोनों में फैंस है। इसका रेट कितना बोल रहा हूँ? चलो उसको एक बार स्विंग वगैरह चलवा के। सो गाइस फाइनल हो गया है हमारा ये कूलर। अभी भैया बिल बना रहे हैं, अभी इसको ऑन करके हमें देखना है। ऑटो रुपा राजी, मजाक नहीं, इसको रुकवाना। गाइस कूलर हमारा पैक हो गया है, अभी राजीव ई रिक्शा जो है रोक रहा है। गाइस कूलर लेके हम लोग ई रिक्शे में बैठ गए हैं, ये राजीव और मेरे पैर के ऊपर है, टीटू आगे हैं। कैसे कैसे करके बैठे हुए हैं, बस पहुंच जाएं जल्दी से। पैर पे कूलर का गोश्त लेके ऐसा लग रहा है ना गांव में पूजा नहीं उठाते। तुम उठाते थे क्या? मतलब मैं हाँ उठाता था। अच्छा हाँ तो तुमको पता होगा। सो गाइस मैं राजीव और टीटू कूलर को ऊपर लेके आ चुके हैं, पानी पी लो तब जाओ। ठीक है अभी हम कूलर को अंदर लेके जा रहे हैं रूम के। सो आज ये गृहस्थी की एक और नई चीज, जैसा कि कोई भी नई इलेक्ट्रिक चीज अगर हम लेते हैं तो पहले उसकी तिलक लगा के स्वास्तिक बना के पहले पूजन करते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं। तो परंपरा के अकॉर्डिंग अभी मैं इसकी भी थोड़ी देर में भगवान जी की पूजा करूंगा, फिर इसके बाद कूलर की भी तिलक आरती कर दूंगा।
गाइस फाइनली हम कूलर लेके आ गए और चीकू अभी इस पर पूजा करेगा, इसकी स्वास्तिक बनाएगा, फिर हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। गाइस अभी मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ कूलर के ऊपर, स्वास्तिक कहाँ पे बनाऊँ, छोटा सा बनाऊँ। किसी ने बोला था कमेंट्स में पिछली बार कि स्वास्तिक को काटना नहीं चाहिए, मतलब कट नहीं करके बनाना चाहिए, लाइन कट नहीं होनी चाहिए, प्लस करके फिर ऐसे ऐसे करते हैं। वो तो प्लस होने पे भी तो लाइन कटती है ना, लाइन तो वैसे पंडित भी करेंगे हम, लेकिन इस पर जैसा फॉलो कर रहे हैं उस बात को हम क्यों, लाइन तो तुमने वैसे भी कट करा है। कहाँ कट किया, अभी नहीं कट हुई है, अभी जब वो वाली लाइन बनेगी तब कट होगी, अभी नहीं कट हुई है। किधर बांधू, बलेगा कहीं पे बनने का स्पेस है, ऐसे ही शुभ कर दे रहा हूँ। गाइस ये रक्षा सूत्र बन गया अब इसमें। भगवान जैसे जैसे एक एक करके सब चीजें जोड़ रही हैं अच्छे से, वैसे सब चलती रहे। इसका मेन मेथड यही होता है, हम लोग पूजा जो करते हैं कोई भी नए सामान की, कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे। सो गाइज कूलर हमने लगा के चेक कर लिया है और टीटू ने पानी वगैरह भी भर के चेक कर लिया है, अच्छी कूलिंग दे रहा है। तो विंडो के साइड लगाया है ताकि कूलिंग बढ़िया आएगी। हाँ विंडो के साइड हमने देखिए इसको लगाया हुआ है, वेंटिलेशन इससे इसको मिलती रहेगी ना, तो कूलिंग अच्छी हमें देगा। हम यहाँ पे सोएंगे, इधर बेड है तो इधर हमारा बेड है, हम इधर सोएंगे तो कूलिंग अच्छी देगी, देगा देगा देगी जो भी हो, ये जो भी हो आप हैं क्या मैडम, मैडम आप मैडम हैं कि सर हैं, जो भी हो आप अपना आप डिसाइड कर लीजिए, मैडम फिर हमें बता दीजिए। मैडम पहले उन्होंने बना दिया है। और मैंने इधर किचन में कुकर में ये सीटी मारने लगता है, तो मैंने वेज बिरयानी जो है बनने को रख दी है कुकर में, और इधर मैंने रायता भी बना लिया है, बस इसमें बूंदी मिलाना बाकी है, तो बूंदी भी मैंने लेके रख ली है, अभी खाते वक्त इसका जब ये रेडी हो जाएगा। और आम का सीजन आ गया गाइस, आम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर दशहरी आम, तो आम को भी मैं अभी कट कर ले रहा हूँ धुल के, थोड़ी देर में खाना हो जाएगा फिर हम लोग खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि थक गए। सो गाइस मैंने खाना सर्व कर दिया है, अभी हम लोग खा रहे हैं। अब कूलर की आवाज़ चलेगी तो ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि उसकी आवाज़ के आगे सुनाई नहीं देगा, तो अभी फ़िलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मैं तो खाऊंगा मैंगो। हाँ आप मैंगो खा लो। आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गर्मी कितनी लग रही है वहाँ से। बाय बाय गाइस। बाय।